हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोच रहे होंगे इतनी गंदी हालत में आज ईमन आप कैसे आ गई हैं, आज ईमन कैसे आ गई, ऑयलिंग शॉयलिंग हुई हुई है। और आज हमें जाना है मम्मा की तरफ, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं भाई। अभी हमें देर हो रही है, यहाँ मैं मौसम के लिए शेक बना रही हूँ। मैंगो शेक, ओह बनाना शेक, अपने लिए चाय बनाई है, चाय पापा खा लूँगी आज। पता नहीं क्या, मेरी तबीयत कल बहुत ख़राब हो रही थी, अचानक चक्कर आ रहे थे इतने, लग रहा था गिर जाऊँगी बस। आज आपको मेरी आँखों से भी लग रहा होगा आई एम नॉट वेल। खैर यार, बहुत दिन हो रहे हैं व्लॉग के, बहुत नागा हो रहा था, मैंने कहा नहीं, व्लॉग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू आर। चलो ठीक है, आई एम नाश्ता शाश्ता बनाते हैं। मौसम गए चावल लेने, महत को मैंने अभी सूजी बना के दी, महत अपनी सूजी पी रहा है। ठीक है, महत की भी काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरी भी प्लीज़ दुआ करा करें सबके लिए। और सब हमारे मुल्क के हालात सबसे पहले सही हो जाए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है भाई, सब कुछ बहुत डर लगने लगा है चीज़ से। मैंने पहन लिया, ऐसे तो जाना है। आई फील कि मैं दोबारा मोटी हुई हूँ थोड़ी सी, अभी मेरा वेट काफ़ी नॉर्मल हो गया था, पर मैं कुछ करना छोड़ देती हूँ फिर मोटी हो जाती हूँ, यार क्या करूँ। क्योंकि ड्रेस ना मुझे अच्छा खासा लूज हो गया था, आज फिर थोड़ा सा टाइट हो रहा है यार। मारो मुझे, मारो, मैं क्या करूँ यार। पता मेरे साथ क्या हुआ, एक प्रैंक हुआ है मेरे साथ। प्रैंक क्या, मतलब बहुत अजीब चीज़ हुई है। मैं रोज़ बोली थी आज मैं जिम जाऊंगी, आज मैं जिम जाऊंगी, आज मैं जिम जाऊंगी, आज मैं जिम जाऊंगी। कल मैं हिम्मत करके सुबह जिम की बात करने ही गई थी, पता है फिर क्या हुआ। फिर मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ। निजलास का जिम तो आपने सुना ही होगा, कितना फेमस है और कितना अच्छा जिम है। मैं गई बात करने, वो बोले 20 तारीख से हमारा जिम क्लोज हो रहा है, हमेशा के लिए बंद हो रहा है। मतलब हम जाएँगे तो जिम भी बंद हो रहा है भाई, क्या करें हम, कहाँ जाएँ। बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूँ मैं। कंफर्ट नहीं हो रहा, सोचूं ये वाला कुर्ता पहन लूं। लेट्स सी क्या करती हूँ, बदलना ही पड़ेगा सूट, मुझे टाइट कपड़े पसंद नहीं है, लूज़ हो, चाहे जितनी भी मोटी लगो लेकिन कपड़े लूज़ हो, कंफर्ट बिल्कुल। आना वाना नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ये भी कुर्ता नया पड़ा हुआ है जिसको मैंने अभी तक पहना ही नहीं है। ये मैंने चेस से लिया था और ये मैंने जिलबरी से लिया था। चलो देखते हैं क्या पहनते हैं भाई, ठीक है, अच्छा लग रहा है। मैं पता है एक दफ़ा भी पहन लूँ, मेरे अंदर इतनी बुरी आदत है यार, मैं एक दफ़ा भी कोई सूट पहन लूँ ना, दूसरी दफ़ा मेरा पहनने का दिल नहीं करता। वो पीला कुर्ता मैंने एक दफ़ा पहन लिया ना बकरा ईद पे, तो मेरा दिल नहीं चाहता। अच्छा लग रहा है, ये भी इतना महंगा नहीं लिया था, मैंने 600 रुपये का लिया था यार, क्या बुरा है 600 रुपये में। आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, पता नहीं कब आएँगे, बोल के चले जाते हैं। तैयार हो जाना, रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ। इसके साथ हम ले लेंगे वाइट जॉर्जेट का दुपट्टा, अब मिलेगा ही नहीं, काम है ना दुपट्टे का, अब देखना मिलेगा नहीं, और नहीं मिल रहा हो तो मैं आज क्या करती, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ ज़रा। ये देखो ये मिल गया, हैप्पी ये देखो, वाओ इट्स लुक मोर क्यूट। दुपट्टा तो आप लोग को पता है लड़कियों की शान होता है, ये बात फिर भी समझ नहीं आती मुझे, पागल लड़की इग्नोर। देखो जब मैं ज़्यादा मूड में होती हूँ ना तो मैं कुछ भी करती हूँ, ठीक है, मेरी बात करो। मेरे मियाँ जी कब आएंगे, आएंगे मैम, मोहसिन को कॉल करें। नहीं आज मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, इस तरह से मुझे इतना अच्छा लग रहा है। कभी कभी आप बगैर मेकअप के भी अच्छे लग रहे होते हो ना, जब तमीज़ से सर पर दुपट्टा ले लेते हो तब। चलो हम उसे नाते हैं, फिर मेरे तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि वहाँ भी व्लॉग बनाना है। तो देखो इतना सारा मेकअप हो गया, अब कोई मज़े की वो भी नहीं हुई हुई इसकी, वहाँ अभी तक सो रहा है। मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, ज़्यादा नहीं होना, हल्का फुल्का रेडी होना है, मैं रेडी हो जाऊँ, फिर रेडी होके मैं आप लोगों को मिलती हूँ। और यार हाँ, वो किसी ने देखे वो वाइट कैबिनेट्स जो मिलते हैं दराजो वाले, बहुत सारे वाइट होते हैं, उसमें बहुत सारी ड्रॉजेस होती हैं, तो वो किसी को भी पता हो ना कहाँ से मिलते हैं, मुझे ज़रूर बताना, मुझे लेना है अपने लिए। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल बस ट्राई कर रही हूँ व्लॉग बनाना, आप लोग बताएं मैं सही आ रही हूँ ऐसे या नहीं आ रही। सो अब हम आगे का व्लॉग इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ। सही आ रही हूँ रुखसाना, फेस वेस सही आ रहा है, मैंने पूछा रुखसाना से सही आ रही हूँ, रुखसाना ने कहा हाँ सही आ रही हो, तो चलो फिर सही आएंगे तो ऐसे ही बना लेंगे यार, क्यों। महात को देख लें बस, महात
गए बस अब हम लोग निकल रहे हैं। ये रहिए बहुत एहसान 7 बजे हैं। महा लुक हेयर हाई कर दो, ये पकड़ा आप इसको मात को। चलो हम वहाँ जाके मिलते हैं, रास्ते में तो मोबाइल में अपना छुपा देती हूँ। हम लोग आ गए दुआ के घर। मोहसिन और वासिफ भाई गए हैं बाहर और महा देखो वहाँ बैठ के दुआ के। ये देखो फिर देखते हैं कैसे देखो। एक और बच्ची भी तो है नी प्यारी आनी की। इस बच्ची को कोई जानता है का? अरे अच्छी दिखा दो अच्छे। दो दांत आ गए हमारे बकरी के, चार दांत की बकरी हो गई हमारी, है ना। चलो लाइट गई हुई है दुआ की, लाइट इतना तंग करने लग गई है। लाइट गई हुई है, लाइट आती है तो फिर मिलते हैं। दोनों भाई देख लें एक दूसरे को, माशाल्लाह। हाय कर दो भाई को, हाय कर दो, हाय कर दो। ये दो प्यारे से भाई हैं। ये अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं और वो वॉकर में। महाद लुक हियर गंजू, ए गंजू, गंजू बिजी है। हम लोग पहुंच गए मम्मा के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये हमने लिए यखनी सूप पंजे जो कि बहुत पसंद है ये बाबा। मौसम की स्टोरियाँ ख़त्म नहीं होती। चलो पसंद की मिलते हम आ गए। हमने बोला मम्मा को बता के नहीं आए थे, हम जाके देखेंगे तो मम्मा तो कहीं नहीं है बाहर। मैं और बाबा है और भी हम बैठे हैं आके। चाकल लियो हैकल दो हजू काकल लियो। तो गई हुई थी ये आई है बाहर, गई हुई थी इनकी दादी अम्मी। हम तो सरप्राइज दिया था दादी अम्मी को, है ना। क्यों बताएं हम, बोला हम आपको सरप्राइज देने तो आए थे दादी अम्मी, है ना मुन्ना। देखो खेलने दादू गए। गति लग ली हो अब वासी भाई के घर छोड़ दिया होगा आपने मोबाइल। आपका काम क्या है दादू? दादू मैं खाना लगाने गई हूँ, हम सब बैठे हुए हैं अभी। मैंने मंगा दिया, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। सना अपनी दोस्त की शादी में गई हुई है। चलो बस निकलते हैं घर। बाय तत्ता। खाना वाना खाना बैठ के हम महाद के चाचू का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आए फिर हम निकले। उनकी पप्पो का उनको देखो कितने मजे से मम्मा के पाँव पे लेट आए। महाद बिजी है। सना भी महबूब आ जाए फिर हम निकलते हैं घर के लिए। 12:30 हो गए, घर जाके मुझे बजाना है इसने। माँ हाथ कौन आया? चच्चू आया, चच्चू जान। माँ तू चाचू है? चाचू हाय। हम घर आ गए और घर आके ये मेरे बेटे को डांट रहे हैं। आपको आवाज नहीं आ रही? देखो बिल्कुल सीरियस हो रहा, डर रहा है। इधर आए, इधर आ जाओ, इधर आ जाए। छोड़ो 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 बाबा का, इस क्लोज कर लो। ये वो डर रहा है। अब बुलाया इसको प्यार से अपने पास। ये पूरी रात का हमारा सीन चलता रहेगा। गाना तो सुना दे नया वाला बेटे का। प्याला बेटा मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया। इनका बेटा स्कूल गया नहीं है, दूल्हा राजा बन के पहले आ गया। बाबा का बेटा है तो वही वही पढ़ लो, इसको पढ़ लो। फ्रेश होके मिलते हैं। कल ना लेंस बड़ा इरिटेट कर रहा है मुझे, यहाँ कोई लाल हो रही। चलो चेंज करके मिलते हैं। नहीं दिख रहा मैं। चेंज करके आ चुकी हूँ, अब बिग बॉस देख रहे हैं। फिर हम एक हमारा लास्ट एपिसोड बचा है वो पागल सी, वो देखना है। माँ दादी वॉकर में घूम रहे हैं। 2:30 बज रहा है, उससे भी ज़्यादा हमारे घर में ऐसा लगता है दोपहर के तो कोई 2-3 बज रहा है। हम लोग रात के शहनाई हैं।
इस टाइम चल रहा है, मौसम बिस्किट्स खा रहे हो, या हम अपना लास्ट एपिसोड देख रहे हैं। माशाल्लाह मेरा बेटा खाना होना शुरू हो गया है माशाल्लाह। ये रात को 4 बजे हमारे घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि ये बच्चा बिल्कुल कभी बाबा के पास पटकता है, कभी मामा के पास। माधु बोल दो सब्सक्राइब करें प्लीज गाइस, सब्सक्राइब टू हिज मामा चैनल। माशाल्लाह अल्लाह ताला इतना बड़ा कर, इतना बड़ा। सिट डाउन मामा, सिट डाउन प्लीज। जय माशाल्लाह मकुतू। ये देखो तंग कर रहे हैं। चलो हम सोने की तरफ जा रहे हैं। प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।